everyone, this is Sushmita Sharma and welcome back on official YouTube channel reviewwater.com. As we have already discussed in my last video about the ratings and reviews of UPES, so today I will be discussing about a few points on the basis of which we have given negative rating to the UPES and overall reviews and ratings of the same. Okay. So coming to the first point, that is if you are looking forward for studies in oil and gas stream, so there is a very good opportunities for that particular field. But अगर आप management में options देख रहे हैं कि आपका specialization जैसे होता है आपका finance हो गया आपका marketing हो गया तो यहाँ पे ऐसा option available नहीं है. So that is the first negative point for the UPES. Coming to the second, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे AC rooms available हैं, but यहाँ पे AC जो है properly function नहीं करते, that is the second negative point. मैंने आपको ये भी बताया था कि it's spread across 42 acres, so in comparison to that यहाँ पे 15,000 की overall gathering है campus की UPS की, तो जिसके comparative वो काफी ज़्यादा congested लगता है, 11 blocks हैं जो कि काफी ज़्यादा congested हैं, यहाँ पे जो road आप कह सकते हैं connectivity है वो proper नहीं है, जिसकी वजह से students को काफी ज़्यादा problem होती है. और अगर मैं हमारे फर्दर पॉइंट्स की बात करूं तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका 5.5 इयर्स का है, विच इज क्वाइट हाई इन कंपेरिजन टू अदर यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, जहाँ पे आप 3 to 4.4 इयर्स में आप रिकवर कर सकते हैं. यहाँ का फीस भी काफी ज्यादा हाई है, दैट इज अराउंड 14.17 लाख. सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स विच आर नेगेटिव जो है आपके यूपीएस के लिए. सो अगर मैं ओवरऑल रेटिंग की बात करूँ तो हमारी जो रिव्यू अटा की टीम है उन्होंने 3 थम्स दिए हैं आउट ऑफ 5 टू यूपीएस. एंड नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट माय अनदर कलीग जो आपको बताएंगे अदर यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस के बारे में. सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल reviewwater.com. आई एम अरुण कुमार एंड टुडे आई एम come with a new series of top 50 BE schools. So today we will discuss about IMI Delhi College. So IMI International Management Institute जो कि situated है कुतुब institution area New Delhi में, और उनके अलग campuses भी हैं जैसे कि IMI कोलकाता एंड भुवनेश्वर. तो अगर मैं बात करूँ establishment की तो ये establish हुआ था 1981 में, जो कि कोलैबोरेशन के साथ स्टेबलाइज हुआ IMI जेनेवा के साथ, जो कि अभी IMD लॉसेन हो चुका है. एंड मगर मैं बात करूँ PGDM की तो PGDM यहाँ पे स्टार्ट हुआ है 1993 में, और ये एक स्पॉन्सर ग्रुप के साथ में जुड़ा हुआ इंस्टीट्यूट है जो कि आपका RP संजीव गोयन का ग्रुप है, राइट. तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने पैरामीटर्स को लेकर जिनके आधार में हम रिव्यू देंगे IMI के लिए. तो पहला पैरामीटर है आपका फैकल्टी. तो फैकल्टी में फर्स्ट पॉइंट आपका आता है फैकल्टी प्रोफाइल. यहाँ पे टोटल 70 फैकल्टी अवेलेबल हैं, जिसमें से 62 फैकल्टीज आप PhD होल्डर, एंड फीमेल की अगर बात करें तो 19 फीमेल फैकल्टीज अवेलेबल हैं. गेस्ट फैकल्टी ऑफकोर्स यहाँ पे गेस्ट फैकल्टीज अवेलेबल हैं, एंड फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो 1:20, एंड टीचिंग स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन 80%, अटेंडेंस परसेंटेज जो कि 85% रहता है. तो ऑल अबव पॉइंट्स के बेसिस पे हमारे रिव्यूअर टीम ने IMI की फैकल्टी को दिए हैं 4 out of 5 थम. सो काफी अच्छी फैकल्टी का रिव्यू रहा है यहाँ पर. देन नेक्स्ट पॉइंट पैरामीटर पे हम आते हैं स्टूडेंट डाइवर्सिटी. तो पहला जो रहता है आपका लोकेशन का, तो विद इन अ स्टेट जो है 24.5% स्टूडेंट जो कि दिल्ली NCR के रहते हैं विद इन स्टेट. देन आउट ऑफ स्टेट रहते हैं आपके 73.5%, और यहाँ पे 2% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी अवेलेबल हैं. एंड अगर मैं बात करूँ एक्सचेंज प्रोग्राम की तो यस, यहाँ पे एक्सचेंज प्रोग्राम भी अवेलेबल है. 17 यूनिवर्सिटीज के साथ इनका कोलेबोरेशन है, जिसमें आपके अगर कंट्रीज की बात करूँ तो फ्रांस, बेल्जियम, चाइना, USA, जर्मनी, रशिया, पाकिस्तान, ब्राजील, सोल्वेनिया, फिनलैंड, कनाडा जैसी कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज के साथ में इनका कोलेबोरेशन है. अगर मैं बात करूँ एलुमिनाई कनेक्शन की तो यहाँ पे एलुमिनाई कनेक्शन का जो स्ट्रेंथ है 6,000+. देन जेंडर रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो मेल का जेंडर रेशियो 61% और फीमेल जेंडर रेशियो 39% आपको मिलेगा. एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है स्टूडेंट प्रोफाइल का, किस तरीके के स्टूडेंट यहाँ पे अवेलेबल हैं. तो ऑन द बेसिस एकेडमिक बैकग्राउंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के 70% स्टूडेंट, कॉमर्स बैकग्राउंड के 12% और अदर्स आपका 18% स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे अदर बैकग्राउंड से. देन सिमिलरली वर्क एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो 42% आर फ्रेशर्स,
एंड एक से 12 महीने यानी कि अप टू 1 ईयर का जिनके पास एक्सपीरियंस है वो है 19.5%, और वन से एक से दो साल वाले एक्सपीरियंस के कैंडिडेट आपको मिलेंगे 22%, और मोर देन 2 इयर्स वाले स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे 16.5%। तो स्टूडेंट डाइवर्सिटी में भी काफी अच्छा, इनके पास वैरायटी है, वर्सेटाइल है आपको देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट डाइवर्सिटी को अगेन हमारी रिव्यू ऑर्डर टीम ने दिया 4 out of 5। थर्ड पैरामीटर है फैसिलिटीज। तो फैसिलिटीज में बात करेंगे सबसे पहले स्पोर्ट्स की। तो स्पोर्ट्स में क्या है, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इनकी बिल्डिंग्स हैं, वो कैंपस थोड़ा छोटा है। सो ड्यू टू लैक स्पेस स्पोर्ट्स फैसिलिटी बहुत ही लिमिटेड आपको मिलेंगी। मेडिकल फैसिलिटी की बात करूँ तो यस, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी भी है। डॉक्टर वीक में 2 बार विजिट करते हैं और फर्स्ट एड की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। देन मैं बात करूँ कैफेटेरिया, यस कैफेटेरिया भी अवेलेबल है। हॉस्टल अवेलेबल है, यस ट्विन शेयरिंग बेसिस पे। एंड लाइब्रेरी की अगर मैं बात करूँ तो 6779 टाइटल्स एंड 22,000 वॉल्यूम्स कवरिंग बिजनेस एंड मैनेजमेंट टॉपिक्स। देन आपका ऑनलाइन जर्नल, आर्टिकल, कंपनी डाटा, कंट्री एंड इंडस्ट्री रिपोर्ट, जो कि इनके ई सोर्सेस रहेंगे वो है ई बेस्को, सेज, साइंस डायलेक्ट, इनफॉर्म्स एंड एमराल्ड, केपेक्स, इकोनॉमिक आउटलुक, दीज आर द ई रिसोर्सेज फॉर द लाइब्रेरी। तो ये आपका फैसिलिटीज की बात हुई। तो फैसिलिटी में हमने देखा काफी मतलब लिमिटेड ऑप्शंस हैं। तो ऑन दैट बेसिस हमारी रिव्यूअर टीम ने आईएमआई के लिए दिए हैं 2.5 थम्स आउट ऑफ 5। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका प्लेसमेंट के लिए। तो हाईएस्ट एंड एवरेज प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो एवरेज प्लेसमेंट एज यू नो कि हम लास्ट 5 ईयर का कैलकुलेट लेके चलते हैं, तो 9.5 लाख पर एनम का एवरेज प्लेसमेंट है। और हाईएस्ट प्लेसमेंट जो अभी तक आया दैट इज 20.75 लाख पर एनम। टाइप ऑफ कंपनीज की अगर मैं बात करूं कि किस तरीके की कंपनी प्लेसमेंट के लिए आती है, तो बीएफएसआई 34%, आईटी 23%, कंसल्टिंग 27%। तो दीज आर द मेजर कंपनीज जो कि यहां पे प्लेसमेंट्स के लिए आती है, बाकी अदर्स में जाता है आपका। देन सिमिलरली अगर मैं बात करूं फेमस एलुमिनाई की, तो यस यहां पे फेमस एलुमिनाई अवेलेबल है। देन जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूं समीर सेठ, जो कि डायरेक्टर है मार्केटिंग के डॉल्बी लैब में। देन नेक्स्ट है आपका अभिषेक अग्रवाल, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर है एमएमटी में, एमएमटी आपको पता होगा मेक माई ट्रिप। देन अदिति छड्डा, जो कि डायरेक्टर है ग्रिल इनसाइट्स में। देन आपका ध्रुव गलगोटिया, जो कि सीईओ है गलगोटिया एजुकेशन ग्रुप के। तो ये यहाँ पे फेमस एलुमनाई है, कुछ और भी काफी सारे हैं वो कि आपको देखने को मिलेंगे। देन एम्प्लॉयमेंट रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो काफी अच्छा है, 95% इनका एम्प्लॉयमेंट रेशियो है। एंड कॉर्पोरेट प्रिसेप्शन की वैल्यू की बात करूँ तो पहला आपका आता है एनबीआई। तो कॉर्पोरेट परसेप्शन की अगर मैं बात करूं तो एमबीआई गुड़गांव फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है, देन आपका आईएमआई दिल्ली आता है। तो अच्छा परसेप्शन है कॉर्पोरेट का भी। तो ऑन दैट पैरामीटर्स आपका प्लेसमेंट के लिए हमारी रिव्यूअर टीम ने दिए 3.5 थम आउट ऑफ 5। देन नेक्स्ट मेरा पॉइंट आता है एडमिशन के लिए। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो सिमिलर है, 50% इन ग्रेजुएशन, कैट, जेड, मैट और आपका जीमैट रहता है, लेकिन इसकी जो परसेंटाइल है वो मिनिमम कट ऑफ आपकी अप्रोक्सीमेटली 90% पे जाती है। देन बात करते हैं फी की। तो फी इनका जो ट्यूशन फी है वो है 16,95,400 अप्रोक्सीमेटली, जो कि सेल्फ स्पॉन्सर प्रोग्राम के लिए है। हॉस्टल फी की बात करूँ तो 2,35,000 और मैथ फी की बात करूँ तो 1,20,900। तो ओवरऑल अगर हम कैलकुलेट करें तो टोटल हमारी जो कॉस्टिंग पड़ेगी दैट इज 20,51,300 अप्रोक्सीमेटली पूरे 2 साल के लिए। तो ऑन दैट बेसिस अगर हम एवरेज प्लेसमेंट देखें और इनका आरओआई कैलकुलेट करें तो आपका ऑन एन एवरेज पूरा आपका 4 साल का टाइम लगता है आरओआई के लिए। तो अगर मैं बात करूँ स्कॉलरशिप की, जो कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहता है स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। बाकी कॉलेज प्रेफरेंसेस की बात करूँ फ्रॉम द स्टूडेंट साइड तो सेम रहता है, पहला प्रेफरेंस बच्चे का रहता है एनबीआई गुड़गांव एंड दूसरा आपका आईएमआई दिल्ली के लिए। अगर आप एडमिशन के लिए देख रहे हैं तो मैं आपको एक चीज और बता दूं यहाँ पे कि जो अभी मैंने हॉस्टल की बात की है वो दिल्ली एनसीआर के स्टूडेंट्स के लिए जो हॉस्टल है वो ऑप्शनल रहता है। अगर सीट्स खाली रहती है
तो वो उनको प्रेफरेंस देते हैं, अदरवाइज दिल्ली एनसीआर के बच्चों के लिए वो प्रेफरेंसेस हॉस्टल का कम रहता है। देन बात करें इंटेक की, तो 360 का इंटेक है यहाँ पे और 96% के अराउंड इनका अलॉटमेंट रहता है। और आपका एनबी और एआईयू ये अप्रूव है, तो यानी कि ओवरऑल आपके पास अच्छा ऑप्शन है। तो एडमिशन के अगर पैरामीटर की बात करें तो एडमिशन के लिए भी क्योंकि काफी अच्छा टफ है कंपटीशन, 90% कैल चाहिए, देन सीट्स खाली रखते हैं लेकिन एडमिशन नहीं लेते क्योंकि तो एक क्वालिटी मेंटेन होती है यहाँ पर। तो अगर मैं बात करूँ ऑन दैट बेसिस, हमारी रिव्यू डेट टीम ने अगेन IMI के लिए दी है 4 out of 5। So this was all about the IMI Institute. I hope you like this video. In our next video, we will discuss कि हमने किन-किन points के लिए negative marking की है, negative ranking की है, और हम आएंगे अपने साथ में overall rating के साथ कि हमारी Reward Delhi team ने IMI Delhi के लिए overall कितना rating दी है। So keep watching, stay tuned, Reward.com. Thank you.